द नोबेल पीस प्राइज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, नोबेल शांति पुरस्कार। द नोबेल पीस प्राइज का मतलब क्या हुआ, नोबेल शांति पुरस्कार, इसी के बारे में इसमें दिया गया है। वंस अगेन, नोबेल प्राइजेस आर गिवन ईच ईयर इन सिक्स सब्जेक्ट एरियाज, नेमली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। मैंने क्या कहा कि नोबेल पुरस्कार जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को दिए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? फिजिक्स यानी भौतिकी शास्त्र, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, मेडिसिन यानी चिकित्सा शास्त्र, लिटरेचर यानी साहित्य, पीस यानी शांति और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। द प्राइजेस ऑनर पीपल अराउंड द ग्लोब हु हैव डन आउटस्टैंडिंग वर्क इन वन ऑफ दीज एरियाज एंड आर नेम आफ्टर अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो एक वैज्ञानिक थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, डायनामिक, हु इन्वेंटेड द एक्सप्लोसिव कॉल्ड डायनामिक डायनामाइट। द इन्वेंशंस मेड हिम रिच एंड ही डिसाइड टू यूज द मनी टू ऑनर पीपल हु हेल्प ह्यूमन काइंड इन सम वे। उन्होंने जब इस विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया तो उनको काफी पैसे मिले, वो धनी हो गए, तो उन्होंने सोचा कि इस धन का उपयोग हम मानव सेवा में लगे उन लोगों को दें जो कि विश्व में मानव सेवा के काम में लगे हुए हैं। और कभी कभी समटाइम्स टू और थ्री पीपल शेयर ए प्राइज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही क्षेत्र में काम करने वाले एक से ज्यादा लोगों को भी यह पुरस्कार सम्मान मिलता है। द फर्स्ट नोबेल प्राइज वेर हैंडेड आउट ऑन December 10, 1901। December 10, 1901 को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ठीक जो अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक थे उनके निधन के 5 साल के बाद दिए गए। ठीक है, तो इस तरह से विश्व का सबसे बड़ा क्या है, पुरस्कार। ओके।